Assalamualaikum everybody, this is Talha from Talha Reviews YouTube channel. Guys, finally Infinix Note 10 series Pakistan ki market mein launch hone ja rahi hai. Hum maalum hai tere baap ko mat sikha, chal. Gajab bejati hai. Ek minute, price ka pata? Nahi. Bura maut maroge. Tito partiyan na lao. खैर आई नो गाइस, आपको टेक्नो स्पार्क 7 प्रो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, आई नो, इसीलिए अब इन्फिनिक्स की नोट 10 सीरीज लॉन्च होने जा रही है. अब ये नोट 10 सीरीज बोल रहा हूँ, यहाँ पर दो स्मार्टफोन्स लॉन्च होने जा रहे हैं, एक नोट 10 दूसरा नोट 10 प्रो. इस बार हम दोनों फोन्स के बारे में इन डेप्थ जानेंगे. वैसे अनबॉक्सिंग वीडियो या टेस्टिंग वीडियोज तो आने ही आने हैं, बट हम इन डेप्थ जानेंगे दोनों फोन्स के बारे में. मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल के साथ कवर करके बताने वाला हूँ एंड देखेंगे कि इन्फिनिक्स जिस प्राइस में इनको पाकिस्तान में लॉन्च करेगा, क्या ये हमारे लिए वैल्यू फॉर मनी निकल कर आएंगे या नहीं. सारी चीज़ें आपको कवर करके बताऊंगा, क्या हमारे लिए कोई अच्छा ऑप्शन मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है. आपको एक ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा दोनों फोन्स के बारे में, दोनों डिवाइसेस के बारे में. और वैसे तो अनबॉक्सिंग वीडियोस या फिर टेस्टिंग वीडियोस तो आने ही आने हैं, उसके लिए स्टे ट्यून्ड. और एक चीज़ आप लोग पूछ रहे थे कि भाई गिव अवे का क्या बना, वो कब अनाउंस करोगे, कब अनाउंस करोगे. एक चीज़ आई प्रॉमिस यू कि वो चीज़ें आपकी हैं और आपकी ही हैं. बहुत जल्द एक या दो दिन तक जो है वो मैं उसको गिव अवे अनाउंसमेंट कर दूंगा, फिर जिस जिसका होगा उसको हम भेज देंगे. खैर आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगे, आज वाला वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, कुछ भी पूछना हो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा. लेकिन यार उसके पहले चैनल पहली बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जाकर ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि मेरी वीडियो की सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ. सो भाई लेट्स बिगिन. फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्च की बात करूं तो अभी इसको लॉन्च हो जाना चाहिए था, बट जो है वो थोड़ा सा डिले कर दिया गया है. अभी 18 मई को जो है वो इसके मतलब के अनाउंसमेंट की जाएगी, 21 को प्री ऑर्डर स्टार्ट होंगे एंड आई थिंक 24 को जो है वो फर्स्ट सेल होगा. सो उसी के दौरान आपको वीडियोज़ भी देखने को मिल जाएंगे एंड सारी चीज़ें आपको डिटेल के साथ उस वक्त तो बताऊँगा, लेकिन थोड़ा सा अभी भी जान लेते हैं. सो बात करता हूँ दोनों फ़ोन की, एक फ़ोन है नोट 10, दूसरा है नोट 10 प्रो. एंड दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मैं साथ साथ आपको कवर करके बताता रहूँगा कि नोट 10 या नोट 10 प्रो में क्या क्या डिफरेंस आने वाला है या क्या क्या डिफरेंस है. ज्यादा डिफरेंस नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं फोन के डिस्प्ले की. 6.95 इंच का डिस्प्ले आईपीएस एलसीडी होगा एंड फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशंस देखने को मिलेगी दोनों ही फोन्स में. 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होगा, 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट होगा, पंच होल के साथ आएगा. आप इसको अंडर डिस्प्ले भी बोल सकते हैं, जैसा कि आप रेडमी की नोट 10 सीरीज में देख चुके हैं एंड देन सैमसंग की ए सीरीज में A51 और A71 में देख चुके हैं. सो सेंटर में होगा 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा. दोनों ही फोन के डिस्प्ले सेम है एंड कैमरा जो फ्रंट की सेल्फी कैमराज है वो भी सेम है और एक अच्छा डिस्प्ले दे रहे हैं यार, मतलब कि इन्फिनिक्स की तरफ से एक अच्छा स्टेप है. एंड बैक की बात करूं, डिजाइंस दोनों फोन्स के ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं, बट जो नोट 10 है वहां पर आपको ट्रिपल कैमरा मिलने वाला, नोट 10 प्रो में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है. एंड जो नोट 10 है वहां पर आपको मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का मिलने वाला है एंड बाकी के जो दो कैमराज हैं तो उनकी आई थिंक हमें बात ही नहीं करनी चाहिए बिकॉज वो नहीं होंगे. लेकिन अगर बात करूँ नोट 10 प्रो की, वहाँ पर आपको मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का मिलेगा बैक पर एंड देन उसी के साथ में 8 का अल्ट्रावाइड. और जो उसके बाकी के दो कैमराज हैं उसकी भी हमें आई थिंक बात नहीं करनी चाहिए बिकॉज वो बेकार हैं. और ये इनको खुद नहीं पता इन्होंने नाम क्या रखे हुए हैं, अगर आप इनकी ऑफिशियल साइट के ऊपर जाते हैं वहाँ पर एक का नाम BNW सेंसर रखा हुआ और दूसरे का आई थिंक पता नहीं मुझे याद नहीं है, लेकिन कुछ इस तरीके के हैं, लाइक चूना लगा रहे हैं मेन सेंसर या 8 का अल्ट्रावाइड काम आएगा. खैर आने पर कैमरा रिव्यू भी करेंगे तब तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, लेकिन अभी के लिए ये चीज़ें हैं. खैर मुझे तो लग रहा है कि इस पर कैमराज में भी इंप्रूवमेंट होंगी, लाइक नोट 8 जो था उसमें तो इतने खास कैमराज निकल कर नहीं आए थे. इस बार देखते हैं कि क्या बनता है. सो अनबॉक्सिंग कैमरा रिव्यूज पबजी टेस्ट के लिए स्टे ट्यून्ड. मेमोरी वेरिएंट्स की बात करूँ नोट 10 की, अगर बात करूँ 4GB 64GB 6GB 128GB, ये चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट या मतलब कि अच्छी नहीं है. अच्छी चीज़ ये है यहाँ पर हमें UFS 2.2 वाली स्टोरेज टाइप देखने को मिलती है, लाइक क्वाइट गुड यार, मतलब कि UFS 2.2 वो भी इन्फिनिक्स के फोन्स में. आज तक हम EWMC 5.1 वाली स्टोरेज ही लेते हैं. सो इस बार ये एक अच्छा स्टेप है इन्फिनिक्स की तरफ से. एंड दूसरे फ़ोन की बात करूँ नोट 10 प्रो की, वहाँ पर आपको जो है वो 6GB 128GB और 8GB 256GB वाले दो वेरियंट्स देखने को मिलेंगे एंड मैं जो है वो एक्साइटेड हूँ 8 256 वाले वेरियंट के लिए. खैर उसके बाद में अगर बात करूँ दोनों फोन्स के प्रोसेसर्स की, प्रोसेसर में एक फ़ोन में आएगा नोट 10 में आएगा मीडियाटेक का हीलियो G85 एंड देन उसी के साथ में जो नोट 10 प्रो है वहां पर आपको देखने को मिलेगा G95 वाला प्रोसेसर. दोनों ही जो है वो प्रोसेसर गेमिंग प्रोसेसर हैं, लाइक अच्छे प्रोसेसर्स हैं, लेकिन G85 बजट प्रोसेसर है और जो G95 है थोड़ा सा बजट से बाहर चला जाता है. मैं आपको प्राइसेस भी बताता हूँ थोड़ा सा आगे चल के, लेकिन अगर बात करूँ G85 की खासतौर पर, देखें सैमसंग A32 में भी जो है वो G85 ही आया था, वहाँ पर भी हमें 90 हर्ट्ज मिला था सुपर एमोलेड में, लेकिन मैंने भी क्रिटिसाइज़ किया, लोगों ने भी किया, बिकॉज वो ऑन पेपर जो है वो सपोर्ट ही नहीं करता. अगर आप G85 मतलब कि मीडियाटेक की वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर आपको सीधा सीधा मिलेगा
60 हर्ट्ज के नॉर्मल पैनल को वो सपोर्ट करता है। खैर उन्होंने डाल दिया, लेकिन वहां पर रेजोल्यूशन फुल HD प्लस थे एंड यहां पर भी ऐसा ही है। नोट 10 में भी जो रेजोल्यूशन है वो फुल HD प्लस है, जो कि चीज थोड़ी सी समझ से बाहर है। लाइक देखते हैं कि किस तरीके से जो है वो 90 हर्ट्ज वर्क करेगा। आई डोंट नो कि डिले आता है या नहीं आता, मुझे कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन देखेंगे आने पर। बट कुछ लग रहा है, आपको सारी चीज़ें क्लियर करूंगा, बिकॉज जो A32 था उसका भी डिस्प्ले थोड़ा सा ना मुझे इतना खास नहीं लगा, चाहे 90 हर्ट्ज था। खैर सारी चीज़ें बताऊंगा। एंड अगर बात करूं मैं जो G95 है उसमें कोई शको शोभा नहीं है, वो एक अच्छा प्रोसेसर है, गेमिंग प्रोसेसर है, लेकिन मैटर करेगी सिर्फ प्राइस, बिकॉज हमारे पास और भी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लाइक रेडमी नोट 10 SBR है एंड देन आपको पता है कि रियलमी 8 ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है। अब इंतज़ार है तो नोट 10 S का, बिकॉज उसकी जो प्राइसिंग आएगी वो आपको पता है कि धमाका तो होना ही होना है मार्केट में। देखते हैं, रेडमी इसलिए चुप है कि सबको लॉन्च करने दो, एंड पे आके हम बाजी ले जाएंगे। देखते हैं कि रेडमी कैसी बाजी लेकर जाता है। और अगर बात करूं बैटरी की, दोनों ही फोन्स में 5000 mAh की बैटरी होगी, लेकिन नोट 10 में आपको 18 की फास्ट चार्जिंग मिलेगी विद टाइप सी कनेक्टिविटी, एंड उसी के साथ में नोट 10 प्रो में 33 की फास्ट चार्जिंग मिलेगी विद टाइप सी कनेक्टिविटी। और दोनों ही फोन्स में आपको डुअल स्पीकर्स भी देखने को मिलेंगे। लाइक दोनों ही फोन्स जो है वो नोट 10 सीरीज काफी अच्छी और कमाल की स्पेसिफिकेशंस के साथ आ रही है, बट मैटर करेगी प्राइस, सिर्फ और सिर्फ प्राइस। बात करें दोनों ही फोन्स की प्राइसेस की, बिकॉज यही चीजें हमारे लिए मेन थी, प्राइस अच्छी होगी, फोन दोनों ही अच्छे हैं। नोट 10 की प्राइस की बात करूं, $200 ग्लोबल मार्केट में प्राइस है, एंड उसी के साथ में जो नोट 10 प्रो है $259 ग्लोबल मार्केट की प्राइस है, ठीक है। और जो अगर इनको कन्वर्ट किया जाए, नोट 10 की प्राइस ऑलमोस्ट 30,000 के अराउंड बनती है, एंड उसी के साथ में जो है वो नोट 10 प्रो की प्राइस अराउंड 40,000 रुपए बनती है। बट आई डोंट थिंक कि नोट 10 प्रो 40,000 की प्राइस में आएगा, बिकॉज उससे अच्छे हमारे पास ऑप्शंस काफी ज्यादा अच्छे ऑप्शंस हैं 40,000 के बजट में। लेकिन जहां तक मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं इनफिनिक्स से, वो यही है कि 35,000 से 36,000 की प्राइस में लॉन्च किया जाएगा। लाइक 36,000 में भी लॉन्च करते हैं तो 2,000 से 2,500 मार्केट में डिस्काउंट तो मिल ही जाना है, ऑलमोस्ट 2,000-3,000 डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। एंड वैसे भी आपको पता है कि 08 सीरीज की प्राइस कहां पर ड्रॉप होकर आ चुकी है। खैर इसकी ड्रॉप तो इतनी जल्दी नहीं होगी, 40,000 की प्राइस में आया तो आपको पता है कि वहां पर बहुत बड़ी बड़ी मतलब कि मछलियां बैठी हुई हैं, वो इसको एक चुटकी में निकल जाएंगी। सो इसीलिए इन्फिनिक्स को भी पता है कि मार्केट को किस तरीके से कैप्चर करना है, एंड मे बी इसकी प्राइस इससे भी कम आ जाए, लेट्स सी क्या बनता है। अभी के लिए जो ग्लोबल प्राइसिंग को अगर कन्वर्ट करें, वैसे तो 40,000 बनती है, लेकिन अगर 34-35,000 प्राइस आ जाती है तो आई थिंक के वैल्यू फॉर मनी होगी डिस्काउंट के बाद। देखते हैं कि इन्फिनिक्स इस बार किस तरीके का स्टेप लेता है। नोट 10 की प्राइस की बात करूं तो वो ऑलमोस्ट जो है वो 25,000 से 30,000 के बजट में, देखिए 30,000 आती है तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ऑलमोस्ट 26,000 से 27,000-28,000 के अगर बजट में आता है तो एक अच्छी डिवाइस होगी। एक और चीज़ नोट 10 के बारे में, अगर कोई एंड तक देख रहा है उन लोगों के लिए, कि यहाँ पर आपको नोट 10 में जायरोस्कोप सॉफ्टवेयर बेस देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, हार्डवेयर बेस नहीं होगा, सो यहाँ पर आपको डिले देखने को मिलेगा। वैसे आने पर सारी चीज़ें बताऊँगा, अभी के लिए यही कुछ सीन है। बट आई होप कि इतना बड़ा वीडियो अगर आपने एंड तक देखा, लाइक कीजिएगा, सारी चीज़ें आने पर देखेंगे, बट वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, कुछ भी पूछना है कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। भाई मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून, देखते रहिए, तब तक के लिए बाय।